जेडीयू पार्टी के संस्थापक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। बिहार में सुशासन के लिए नीतीश कुमार ने कई बार अपनी सहयोगियों को बदला। ये पार्टी बिहार विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भले ही तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बिहार विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद में जेडीयू का दबदबा अभी भी कायम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री अहम रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नीतीश बिहार में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तो और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। इस सिलसिले की शुरुआत 2005 से हुई, तब सत्ता में आरजेडी के लालू राबड़ी राज को एनडीए ने 2005 में अपदस्थ किया था। इसी साल में दो बार फरवरी और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुआ। फरवरी में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद अक्टूबर में फिर से चुनाव हुए। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की सत्ता पर एनडीए काबिज हुई। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 88 सीटें मिली और इसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी को 55 सीटें मिली। 243 विधानसभा सीट वाला बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 54 सीटों पर सिमट गई। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे अधिक 115 सीटों पर जीत दर्ज करती है। बीजेपी को 91, आरजेडी को 22 सीटें मिली। 2015 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार आरजेडी ने बाजी मार ली और 80 सीट पर जीत दर्ज की। 80 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बन गई और 2020 में सत्ता का खेल कुछ अलग हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे पायदान पर खिसक गई। मौजूदा स्थिति में बिहार विधानसभा में 79 सीट वाली आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और 78 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर। जेडीयू की मात्र 45 सीटें हैं। बिहार विधानमंडल के निम्न सदन में भले ही जेडीयू तीसरे नंबर पर है, लेकिन 75 सदस्य वाली उच्च सदन में नीतीश की पार्टी जेडीयू 25 सीटों पर काबिज है। 23 सदस्यों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है और आरजेडी के 14 सदस्य कांग्रेस के 4 सदस्य विधान परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि भले ही विधानसभा में जेडीयू तीसरे पायदान पर है, लेकिन विधान परिषद में पहले पायदान पर अब भी मौजूद है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का दबदबा 2005 के बाद शुरू हो गया था। 2005 और 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का संख्या बल बिहार विधानसभा में सबसे अधिक रहा, लेकिन 2015 के बाद संख्या बल में कमी आनी शुरू हो गई। मौजूदा हालात में अभी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे पायदान पर है, लेकिन बिहार विधानमंडल के उच्च सदन बिहार विधान परिषद में जेडीयू अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। इस तरह से कहा जा सकता है कि भले ही बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे पायदान पर है, लेकिन बिहार विधानमंडल के उच्च सदन बिहार विधान परिषद में जेडीयू का दबदबा अभी भी कायम है। सहयोगी राजकुमार के साथ मनोज नारायण सिंह, रफ्तार।